धनिये के भुजे या सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 400 ग्राम धनिया। धनिये को सबसे पहले मैंने अच्छी तरीके से साफ करा है, यानी कि पत्तियों को डंडियों से अलग कर लिया है। साथ ही साथ मैंने धनिये को यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से धोया है और धोने के बाद मैंने इस तरीके से इसको स्ट्रेनर पे रखा है ताकि इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। तो चलिए धनिये की भुजी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। गैस पे रख लिए कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लगभग 1 से 1.5 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को हीट होने देते हैं। ऑयल हमारा हीट हो चुका है तो यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बिल्कुल लो ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जीरा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो सारी चीजों को एक बार फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज के आलू। इनको मैंने अच्छी तरीके से छील के वॉश करके इस तरीके से छोटे पीसेस में कट करके लिया है। तो इनको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीजों को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब गैस का फ्लेम हम रखेंगे लो टू मीडियम और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे कवर करके तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारे आलू ऑलमोस्ट 80% कुक नहीं हो जाते। बीच बीच में हम इन्हें चेक करते रहेंगे ताकि हमारे आलू कढ़ाई से चिपक न जाएं। आलूओं को कुक होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने इनको चला दिया था ताकि ये चिपक न जाएं। तो चलिए एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। हमारे आलू आसानी से कट रहे हैं, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमें इन्हें और पकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो धनिया हमने रेडी करके रखा था। तो चलिए आलू और धनिये को अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो आलू और धनिये को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। गैस का फ्लेम हम रखेंगे बिल्कुल लो और 1-2 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से बिना कवर किए कुक कर लेते हैं ताकि हमारा धनिया भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसे लो फ्लेम पे कुक होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। हमारा धनिया सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर। लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो चलिए सारे मसालों को एक बार हम अपनी भुजी में फटाफट से मिक्स कर देते हैं। तो सारी चीजों को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तो गैस के फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ और अपनी धनिया की भुजी या धनिया की सब्जी को फटाफट से कर लेते हैं सर्व। तो ये लीजिए हमारी क्विक एंड हेल्दी धनिया की भुजी या धनिया की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही हेल्दी होती है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।